फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। तो आप सब देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल टी जाड़ू। दोस्तों, आज हम वीवो वी फाइव के नए अपडेट के बारे में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल में कुछ अपडेट्स हुए हैं जो कि आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो हे नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल टी जाड़ू। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम जानते हैं अपडेट के बारे में। तो जो कि हमारे नए अपडेट है वो है 3.8.1। दोस्तों, मैं पहले वाईफाई से कनेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं मेरा मोबाइल अपडेट करूँगा और आपको बताता रहूँगा। तो मैं आपको बता देता हूँ पहले पहले क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुए और वीडियो के बाद में भी बताऊँगा। तो हमारे अपडेट फाइल है पूरे 119 MB की, जो कि है 3.8.1। हमारा पिछला वर्जन था 3.7.1। तो इसमें हमारी सिक्योरिटी पातलेवल बढ़ा दी गई है और हमें फ़ोन्स में इंटरनेट कॉल करते वक्त कुछ कुछ एरिया में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, उसे भी रिसॉल्व कर लिया है। और हमारे जो कि वाईफाई की कैपेबिलिटी थी वो भी बढ़ा दी गई है। और यहाँ पर लिखा है इम्प्रूव द यूज़र इंटरफेस एंड ऑब्जर्व विजुअल इफेक्ट। कुछ बताया कि हमारे इंटरफेस में कुछ इम्प्रूवमेंट की गई है। तो मैं अभी इसे डाउनलोड करने के बाद आपको बताऊँगा, डाउनलोड करते वक्त भी आपको बताता रहूँगा। तो दोस्तों, वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद आपको बताऊँगा। तो हम कर रहे हैं अभी अपडेट डाउनलोड, डाउनलोड होने के बाद आपको बताएंगे। हमने कर लिया अपडेट डाउनलोड, तो अब हम अभी इसे करते हैं इंस्टॉल। तो ये कर रहा है वेरीफाई, तब तक ले लेते स्क्रीनशॉट। तो फ्रेंड्स, हमने कर लिया है हमारा मोबाइल अपडेट। तो हम चेक करते हैं अभी हमारा करंट वर्जन जो कि 3.8.1। तो हमारे सिक्योरिटी पाथ लेवल बढ़ा दी गई है, जो कि अच्छी बात है कि वीवो ने अब हमें December 5 की सिक्योरिटी पाथ लेवल दे दी है। लेकिन अगर आपने आपका वीवो V5 एंड्रॉइड नोगट में अपडेट करवाया होगा तो आपको तो कुछ ये सिक्योरिटी पाथ लेवल की तो अपडेट नहीं मिली होगी। इसी के साथ हमारी इंटरनेट कॉल की परफॉर्मेंस बढ़ा दी गई, जो कि मैंने चेक किया तो अच्छा है। और वाईफाई नेटवर्क भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और ये जो कि हमें बताया गया था, जो कि है ये इम्प्रूव द यूज़र इंटरफेस डिस्प्ले एंड उपरांत वर्जुअल इफेक्ट। मुझे लगा था कि हमारा नोटिफिकेशन बार चेंज हो जाएगा और हमारे मल्टीटास्किंग कि इधर आ जाएगी, लेकिन वैसा तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन सिर्फ इतना हुआ कि मोबाइल थोड़ा स्मूथ चलने लगा है। और अब हम कुछ फॉन्ट्स चेक करते हैं, उसके लिए मैं मेरी जो कि है आई थीम उसके अपडेट अनइंस्टॉल कर देता हूँ। लोड ले रहा है अभी AMGH। तो हम इसके अपडेट अभी अनइंस्टॉल करते हैं। और इसके बाद चेक करेंगे क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं। तो अपडेट अभी हो रही है अनइंस्टॉल, थोड़ी देर तक वेट कीजिए। थोड़ा वेट ले रहा है, तब तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए आपको ऐसे नए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और क्या कुछ ज़्यादा तो इम्प्रूवमेंट्स नहीं की गई है। अभी तक तो अपडेट इंस्टॉल नहीं हुई है, कब तक तो होगी क्या पता, हो ही जाएगी जल्दी। तब तक तो बाकी कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स तो नहीं किए वीवो ने, बाकी सब कुछ पहले ही जैसा है, जैसे कि आई म्यूज़िक, बाकी सब चीज़ें पहले जैसी है। जो कि हमारा वी ऐप स्टोर लगातार नोकट दे देगा वीवो, लेकिन अभी भी नहीं दिया। पता नहीं अब कब तक देगा वीवो नोकट। नोकट की OTA अपडेट तो होनी चाहिए, क्योंकि OTA के थ्रू तो हमें अपडेट मिलना चाहिए। और जो कि बाकी वीवो के जो नोकट में अपडेट किए गए फोन है उनको तो ये मिला ही नहीं होगा अपडेट, जो कि उनको आगे जब तक हम उनके अपडेट के पास तक पहुंचते तब तक तो उनको कोई OTA अपडेट की तो नहीं मिलेगी। OTA अपडेट मिलने का चांस भी नहीं है उनको कोई, क्योंकि हमारा और उनका वर्जन बहुत पुराना है। तो उनके वर्जन के पास जाने तक वीवो को बहुत टाइम लगेगा।
हमारे नौगढ़ तक भेजने में, तो इसलिए वी ने ओनली सिर्फ सर्विस सेंटर पर ही अभी अपडेट अवेलेबल की है। जैसे ही ओटी अपडेट मिलेंगे तब से उन मोबाइल को अपडेट मिलना स्टार्ट हो, बाकी हमारे साथ से अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं तो उनका अपडेट जो है कि नौगढ़ वही रहेगा। अगर वीवो ने ओटी नहीं दिया तो आप वीवो को अपना फीडबैक भेज दीजिए, जिन्होंने नौगढ़ करवाया कि वीवो V5 को ओटी अपडेट दे दीजिए, तब तक ये हो सकता है। लेकिन ये तो कुछ अनइंस्टॉल नहीं हुआ है, हो रहा है जल्दी, तो वीवो ने कुछ फॉन्ट्स भी ऐड कर दिए होंगे, नहीं कुछ नए थीम्स भी आए होंगे, तो आप चेक कर सकते हैं। मेरी अपडेट अनइंस्टॉल होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अनइंस्टॉल फिनिश, सॉरी हो गया हमारे अनइंस्टॉल फिनिश। नहीं लगता है हो गई हमारी अपडेट अनइंस्टॉल, हाँ हो गई। तो क्या कुछ नया? अरे यहाँ पर ओनली सिर्फ टू थीम्स रख दिए व्यू ने, बाकी थीम कहाँ गई? और यहाँ पर कुछ वॉलपेपर में भी कुछ नए वॉलपेपर्स नहीं आए, और जो कि हमारे वो बाकी पहले जैसे फॉन्ट, अगर कुछ नए फॉन्ट्स आए हो तो चेक कर लेते, फॉन्ट्स भी कुछ नए नए आए, और कुछ थीम्स, हाँ थीम्स आई है, कोई 3 नई थीम्स आई है, लेकिन उनमें से एक भी ओवरऑल नहीं है, बाकी जैसी थी वैसी वो थीम है, लेकिन हमारे यहाँ से व्यू ने थीम्स हटा दिए गए, ओनली 2 थीम्स रखे ओनली। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।